नमस्कार प्रश्नकाल को स्वागत करुच शांतिभूषण आज प्रश्नकाल प्रसंग रही 22 यूपी 24 दिल्ली यूपी फलाफल 24 दिल्ली को रास्ता देख एने आज प्रश्नकाल में आलोचना करवा कि समय पूर्व प्रधानमंत्री एक राजनीतिक समीक्षक जो आकलन करते 2022 से कथा कह समीक्षक से जे 22 रो फलाफल ए विधानसभा फलाफल यूपी रो ये 24 रे रास्ता देखेबो एथि पे कुआ जाउ जे सबटु बड़ राज्य 80 टी लोकसभा आसन रहिछि यूपी रे एवं एई 80 टी आसन ऊपर सारा देशर मध्ये नजर रहिबो 24 रे ये थिला सेमीफाइनल जोटा यूपी रो विजय आमे आरंभ करबा प्रश्नकाल जो माने आज आम सहित अतिथि जोडी हेबे मु सेमानक परिचय करै दउछि मो सहित गोलक महापात्र रोचंती बीजेपी साधारण संपादक मो सहित जतीन दास रही वरिष्ठ सांबादिक किसी पर आम सहित जोड़ी हे शरत राउत वरिष्ठ कांग्रेस नेता समस्त को स्वागत करुच्ची गोलक बाबू प्रथम आपल आरंभ करने चाहिए किसी पूर्व आम प्रधानमंत्री भाषण शुणुलु जो जो कथा प्रधानमंत्री कहले से गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ जहाँ आम आलोचना प्रसंग रही मानने 22 यूपी 24 दिल्ली ये केमी बाट देख दिल्ली को जड़े जड़े राजनीतिज्ञ हिसाब से आप कौन कहे अतीतर जहाँ होती पूर्व जहाँ हो फलाफल को आधार करके कहपर जे ये फलाफल विधानसभा फलाफल 24 दिल्ली को बाट देख देखो निश्चित भाव में आज जो विधानसभा फलाफल हो फलाफल गोटे कथा सूचित करुच्ची भारत बर्षर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो गरीब कल्याण कार्यक्रम से गरीब कल्याण कार्यक्रम लोक मानते पहुँची मुझे खाली आपन को उदाहरण देवा चाहे जितेबले कोरोना समय है अधिका लोक पलायनर कथा से उत्तर प्रदेश सबुठ बड़ क्षतिग्रस्त होता एवं परवर्ती समय रे से लोक मान को थैथान करवा कर्मनिजुक्ति देवा आत्मनिजुक्ति देवा विभिन्न स्थान में नहीं रखा एवं परवर्ती समय लोक मान उत्तर प्रदेश भली जगार विरोधी दल मैंने जो आप कहते लोक मैंने बहु असुविधा अच्छा आज देखु ता प्रमाणित है जे नरेन्द्र मोदी जो गरीब कल्याण कार्यक्रम थिला तांकु मागणारे गैस जोगेद कथा हो समय विभिन्न प्रकार भत्ता जोगेद कथा होपणकर से समय डाली चाउल जोगेद कथा हो कर्म जोगेद कथा जो जो गरीब कल्याण कार्यक्रम गुड़िक करागला आउ कोरोनार मुकाबिला कथा आपण कहतु ये जिते कार्यक्रम करागला यार प्रभावर रिजल्ट एटा होची आपण जो रिजल्ट देखिले ये पूरा पूरी भाव रे मोदी कर जो गरीब कल्याण कार्यक्रम ये होची तार एक प्रतिफलन जोटा में सबु राज्य रे हमें देखि पारले तो ए जो प्रतिफलन हेची जहां सरकार काम करिसेंती ताहा बर्तन वोट रे कन्वर्ट हेची अधिका प्रतिशत वोट मिलची जदि आपण यूपी रे देखिबे जहां गत प्रतिशत वोट हमको मिलितला इथरो बढीची प्रतिशत वोट जदि ओ सीट कमीची किंतु प्रतिशत वोट बढीची उत्तराखंड कथा देखंतु गोवा कथा देखंतु मणिपुर कथा देखंतु सबु जगह रे भारतीय जनता पार्टी आगु पूर्व अपेक्षा लोक पूर्ण मात्रा आस्था प्रकट करेणुटा गोटे पूर्व सूचना दौर जो विकास धारा रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को नौ सांगे रे भारत बर्षर अधिक जनसाधारण से कथा सांगे रे जोड़ी होती जहाँ को लक्ष्य करी कहपर जे 24 बाट आज स्पष्ट भाव में दिल्ली बाट आज चारोटे निर्वाचन आम समस्त को देखे द्वितीय कथा हूँ एवं मुख्य विरोधी दल जहाँ को आम कहे कांग्रेस सी चारो राज्य सफा हो गला किंतु ये आपण चैलेंज आप टीएमसी एम चैलेंज हो पारती कि बाट उगा पारती कि देखो बाट उगा भाया किसी कारण ना जो शक्ति वृद्धि पंजाब देखो आप शक्ति केजरीवाल कहते राज्य में से विस्तार करेंगे देखो मुझे गोटे कथा कह पंजाब रहा देखिए पंजाब रो समीकरण पंजाब में भारतीय जनता पार्टी स्थिति आपन जो देखिए पंजाब रे भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति रे थिला जे प्रतिशत भोट को आपन जो देखिए आम मोटे गत थरक 5.4% भोट पाइल एवं आम बहुत कम सीट्रे अकाली दल सांगे जो मिसिकी लड़ूल आम बहुत अल्प सीट लड़ूलु आम भारतीय जनता पार्टी पंजाब रे सबु जगार पहुँची पार दल नुह नाला आप गत थर टू आप आरंभ होता 20 ऊर्ध सीट बोधे गत थरक मत जहाँ अनुमान हो 20 सीट बोधे आप गत थर को 23.7% से भोट गत थर था तो से जो 23.7% भोट थिला जो लोक कांग्रेस रु बाहर जो लोक अकाली रु बाहर से सब लोक मैंने पहुंचे तेनाली आमपाई बिलकुल थ्रेट नुह ये थ्रेट नुह जे आम से
4% 5% ଭୋଟ ଭିତରେ ଏଥର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ ମଜାଠି ଆମର ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ ଆମେ ସେଇଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଆପଣ ଭଲ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ଆଉ ପଞ୍ଜାବକୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇକି 24ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଟ ଓଗାଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି ଯତୀନ ବାବୁ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯତୀନ ବାବୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି 22ରେ ୟୁପି 24ରେ ଦିଲ୍ଲୀ 24ରେ ବିଜେପି ପାଇଁ କିଏ ବାଟ ଓଗାଳି ପାରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ତ ସଫା ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମୁଛି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ କର୍ମୀଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ଆପ୍ର କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଆପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ ତା ସହିତ ଟିଏମ୍ସି ଟିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ଗୋଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିଛି ଟିଏମ୍ସି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ କହିବାଟା ତ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଜୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ 4ଟା ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଧାର ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ 2024ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯିଏ ସରକାର କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାର ବାଟ ରହିଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ତାର ପୁଣି ସରକାର ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ 1/5 ପପୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେଠି ରହିଛି ଏବଂ 80 ଜଣ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମାନେ 80 ଜଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାଏ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏଫର୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଆଗକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ୟା ପରେ ତାର ମାନେ ଦଳ ଭିତରେ କଣ ଅନ୍ତର୍କଣ୍ଡ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ତାଙ୍କ ଦଳ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହେବା ପାଇଁ କଣ କାମ କରିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି 24 ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସେମିଫାଇନାଲ ଥିଲା ଏବଂ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକସଭାର ଆସନକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଆ ମଣିପୁର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଇଏ ପାଖାପାଖି 100 ହେବ ୟୁପି କୁହାଯାଉଛି ୟୁପିରେ ଯିଏ ଜିତିବ ତାର ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଦଖଲ କରିବ ଏଇଠି ପଞ୍ଜାବରେ 42% ଆପ୍ ପାଇଲା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଯଦିଓ ଗୋଆରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନି ତଥାପି 5.62% ଭୋଟ ପାଇଛି ତ ଏମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବେଠୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଘଡ଼ିକି ଘୋଡ଼ା ଛୁଟେ ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆକଳନ କରିବାଟା କିମ୍ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ସତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଡେଭଲପ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଜୟଯାତ୍ରା 2024 ପାଇଁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ ମୂଳଦୁଆ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜରୁର ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରେଇଲେ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଗକୁ ଯୋଉମାନେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ
गोटे बार्ता देले एवं लोकंकु मध्ये सतर्क रहया पई कहले तार अर्थ होउची जे वासे पंजाब कथा भी कहले आपण देखिथिबे तेनु से बहुत गुडा जिनस प्रसंग को से उल्लेख कले आपण देखिथिबे कांग्रेस जोटा गोटे महिला रो जो गोटे नारा देथिला उत्तर प्रदेश रे आपतांक वक्तव्य रे आपण देखिथिबे से महिला मानंकु ही धन्यवाद देले एवं कहले जे से माने ई जो भारतीय जनता पार्टी रो विजय रे से गोटे बहुत बड़ा भूमिका निभाई तेणु निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी पाई 2024 रो गोटे माने बहुत बहुत पॉजिटिव नोट रे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान अच्छे सब दल ठारु सब एडवांटेज पोजिशन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी अच्छी आप भाविपारे निश्चित भाव में जो कथा आपड़ कहते गोलक बाबू आपसे किसी कमेंट करने चाहिए एवं कहुई पारे कि जो आकलन हो राजनीति विशेषज्ञ जो आकलन करको आज मोदी से कथा कहते चारिदिगर आशीर्वाद मिलला आज जी कह मोदी भाषण आप शुणी से कहते निश्चित भाव में जो यूपी जहाँ रेजल्ट है प्रो पुअर मानने गवर्नान्स को गुड गवर्नान्स आउ विरोधी जो घसा पिटा रेकर्ड ताक छाड़ी नुआ चिंता करूँ जातिवाद कथ कही जातिवाद तराजु सबकि तौलाउं जातिवाद फास्ट पूरा यूपी की से फसवाप चाहते यूपी लोक अपमानित करने चाहते प्रधानमंत्री भाषण में निर्दिष्ट भाव में विकास कथा तो अच्छी सहित तीक्ष्ण आटाक अच्छी देखो प्रकृत आप देखिए जदि उत्तर प्रदेश जेबेठू योगी शासन क्षमता को आसपर जो संस्कार को आज देखिए मोदी योगी जो संस्कार उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को जो भाई भाव में नहींक्री आप जो जगह ठिया हेले जो बनारस कहतु काशी कहतु जो जो जगह सब पर्यटन क्षेत्र आमर जिते ऐतिहासिक धरो तार जो भाई भाव में पुनरुद्धार कर लोक जो भाई भाव से रोजगारक्षम करती डेभलप करती अल्प दिन भितर तेणु उत्तर प्रदेश लोक तो भावुंत आम जो जा बनारस पहुँचुलू देखुलू आमको तो लगुला स्वर्गटा ये पलि आसी तेणु जो भाई भाव गत दिन भितर मोदी योगी कारण आज से जो प्रकार डेभलपमेंट कम करागला से डेभलपमेंट कम ही गोटे रकम आपणकर गाइडलाइन है विरोधी जिते जहाँ कहले जिते जातिवाद कथा कहतु विभिन्न प्रकार लाछना लगे गोटे पीरियड मझे आसला जो समय आप आकलन कले हम ना हारी कथा कहले विरोधी मैंने कहले कंग्रेस जो भाई भाव में विभिन्न प्रकार कथा कही देखो सब कथ आज फेल होती तार एकम्र कारण हूँ मुझे कथ कहली आज भारत बर्षे आमको जिते विरोध कर सब उत्तर प्रदेश को देखिए विरोध करते करोना समय करोना मुकबिला करें ना अधिका लोक मले लोक मारिकी कड़े भसई दे कौटी बनारस गंगा भसोले लोक देखिले विभिन्न प्रकार आखबाग है तापर भी देखूँ आज क्लीयर कट मैंडेड तार एकम्र कारण हूँ लोकों पाखे गुड गवर्नान्सटा पहुँची पार्ला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये जो तीन सबका प्रयास लगे ये चारिटा कथा जितेबाला एकाठी है आज उत्तर प्रदेश जनसाधारण मोदी सागर ढड़ा है अर्थात कौटि ना कौटि मोदी जो लाइन ने भारत बर्ष को नौ आज भारत बर्ष सुरक्षार कथा तेज़ जड़ित अच्छी आज यूक्रेन पिला आसबि शरत बाबू जोड़ शरत राउत सहित जोड़ शरत बाबू स्वागत करुच्छे आपको 22 रे यूपी 24 रे दिल्ली राजनीतिक समीक्षक एक आकलन कर मोदी मत भाषण में किसी झलक दे नहीं कि आप कौन कहे प्रकृत में ये जी दखल कर यूपी सी तक रास्ता सफा हो जी यूपी दखल कर दिल्ली की रास्ता सफा हो एक कहा जाए एथेर आपण एकमत हाँ निश्चित भाव उत्तर प्रदेश गोटे प्रभाव रोचे जातीय राजनीति उपरे एड़ी दिया जाए पारिबो नाय किंतु जो भली उपाय रे वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षमता दखल कले एवं से केते दूर स्थायी हम से मनरे संदेह सृष्टि करुछि एवं जो भाव गला थर जो मैंडेट पाई भारतीय जनता पार्टी 312 सीट से 39.69% भोट पाई ये बहुत कमी जा अच्छा। सीट संख्या तो आप देखुं 273 एवं जदि गुड गवर्नेंस अच्छी ताहले तंकर समर्थन कहीं कमिला उत्तर प्रदेश सीट संख्या कमी एडी गोलक बाबू अच्छा सी आप प्रश्न रिप्लाय देते आप कहे जो ना ना जो प्रश्न आप कले जो उपाय क्षमता दखल कले केते दिन क्षमता आब्सोल्यूट मेजोरीटी मान तो 5 वर्ष रोज 5 वर्ष पूर्व भांगार संभावना अच्छी ना कांग्रेस सेमती किसी देखुची आकलन कर भांगी जी 5 वर्ष पूर्व ना मुझे उत्तर प्रदेश भांगा कथा कहना मुझे भाव निर्वाचन को ग्रहण कर
निर्वाचन फलाफल को जो उपाय से ग्रहण करुछंती भारतीय जनता पार्टी रो खुशी हबार नाही बरक तांकर आसन संख्या कमी एवं हिसाब कले मध्य वोट परसेंटेज कमी केमिति कमी वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी रो आपन इलेक्शन कमिशन डाटा सुनै दउ छी आज्ञा इलेक्शन कमिशन आज्ञा इलेक्शन कमिशन को डाटा मो पाखरे अछि मो आपन कहि दउ छी 41.4% आपण तो जानते 2017 में 38% थी केमी भोट परसेंट कम मतलब बुझे 2017 थी 39.67 312 आसन 39.67 एथरक है 41 हाँ एथरक है 41.4% भोट परसेंट कमला केमी मत गणित बुझे दे से जो 41.4% कहते दैट इज क्विक एस्टिमेट अच्छा ताको जदि आपण देखिबे पण आ कुछ दिन पर जे देखिबे से देखिबे पण तळो को सेवा आछंती त माने एबे जो इलेक्शन कमिशन मु एडी कमिची आज्ञा शरद बाबू मु इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट धर के बसछि मु एटा मनरु कहू नै कांग्रेस रो वोट परसेंटेज मो पाखरे अछि कांग्रेस रो आसन भी अछि आपण कहू नै कांग्रेस रो वोट परसेंटेज केबे केते थिला 17 रे काहे कि कमिला कोंदु निश्चित भाव में कांग्रेस वोट परसेंटेज कमी द्विमत होते द्विमत होने कम संगे संगे भारतीय जनता पार्टी कमी आपड़ जोटा कहले उत्तर प्रदेश राजनीति जातीय राजनीति को रास्ता देखाए मुझे कथा कहूँ जातीय राजनीति में आज अवक्ष अवस्था अच्छा बीजेपी अवक्ष कांग्रेस अवक्ष उत्तर रखिए बीजेपी अवक्ष कांग्रेस अवक्ष उभय कहते देखु मु आपन गोटे कथा कह जे भारतीय जनता पार्टी भोट प्रतिशत गत थरक 39.7% थिला 67 आ 7 बोली कहबा 67 वर्तमान सेटा बढ़ी करी आपनकर 41.4% हेछि अर्थात भोट प्रतिशत बढ़ी सीट आपनकर कमी छि काली चेंज हे जीवो एटा देखंतु एटा मु भाबुछि जने आमे इमैच्योर डिस्कशन करिबानी इति पई कि जे इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट रे ऑलरेडी सेमान देई सारचंती वर्तमान जहां भोट गणती सरी नै भोट परसेंटेज को आसी आगे गणती जति के आसी गलानी गणती आपनकर पूरा सरी गलानी वर्तमान लगभग गणती सरी जाय छि पांचटा सीट भी से वर्तमान देई छैले आपन वेबसाइट जाय के देखि दियंतु नै 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 वर्तमान मु खोली जाउ समय लागै नै नै सुनंतु सुनंतु शरद बाबू इति रिजल्ट्स डिक्लेअर सलानी 296 माने इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट रे 296 रु एटी 197 होची बीजेपी 72 होची समाजवादी पार्टी आ लीडिंग दा अछि वर्तमान 58 होची लीडिंग बीजेपी लीडिंग रे 38 होची समाजवादी पार्टी आकु आधार करके ए वोट परसेंटेज बाहर छी मु टिके कहि दउ छी आपनकर जो सीट गुडा काम धर जो कमी छी सीट अच्छा। जो नहीं, जो सीट गुडा कमुचे देखुल तार मार्जिन बहुत अल्प रही तेणु तार से कारण अच्छी तेणु भारतीय जनता पार्टी जदि आप इतिहास देखिए 1900 बोधे मत मन पड़े 67 आज पर्यंत कौन सी दल द्वितीय थर रिपिटेशन कर इंदिरा गांधी से जो पीरियड टाला जो थे द्वितीय थर कांग्रेस आसोसिएशन कारण रिपीटेशन जमा ही ना रिपीटेशन यूपी लोक रिपीटेशन ऐतिहासिक विजय ये ऐतिहासिक विजय पछरे भारतीय जनता पार्टी मुझ जो कथा मूल रू कहली भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम ये कार्यक्रम लोक मान उठाईज कांग्रेस आकलन जो उभय कमी कहते कांग्रेस कमी बीजेपी कमी एक मत दौर परसेंट निश्चित भाव सब जो माने जो जो जगह इलेक्शन तार पंजाब को छाड़ी देले आपण जे देखिबे ताहले निश्चित भाव भारतीय जनता पार्टी गोटे विशाल विजय हासिल करछी भारतीय जनता पार्टी रो गोटे आपण उत्तर प्रदेश जे देखिबे गोटे सकारात्मक वोट भारतीय जनता पार्टी सपक्ष रे बोली आपण निश्चित भाव रे कहि पारिबे निश्चित भाव रे ये विजय बड़ विजय बोली कह पार चार राज्य सहित यूपी बहुत बहुत धन्यवाद जतीन बाबू आम सहित शरद बाबू थे आपको मत बहुत बहुत धन्यवाद गोलक बाबू धन्यवाद आम सारे प्रश्न काल को पूर्व ये कथ कहे किसी समय पूर्व मोदी जहाँ कहले जमी रिजल्ट था लोकसभा आसन 64 आसन जीति एनडीए एथरक विधानसभा 24 को ये 22 रिजल्ट 24 लोकसभा रिजल्ट को जिते प्रतिफलित हो दिल्ली को बाट देख बाट कढ़ एक कहुए समय सरी प्रश्न काल को ये रखा नमस्कार।